नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई गल्फ कंट्रीज में दुबई, कतर, मस्कत, बहरीन, इराक, इराक, कुवैत और इंडिया, जी आठ इंडियन सहित आठ कंट्रीज में अपन कोरोना अपडेट से रिलेटेड बात करेंगे, क्योंकि भाई पूरा सिस्टम कोरोना पे टिका हुआ है। आपको नॉलेज होना चाहिए कि कौन सी कंट्री में कोरोना बढ़ रहा है, कौन सी में घट रहा है, इंडिया की क्या स्थिति है और गल्फ कंट्रीज में जो देश हैं उनकी क्या स्थिति है। इराक को भी हमने आज इसमें शामिल किया है। आगे आने वाले टॉपिक में हम इराक के रिलेटेड भी बात करते रहेंगे और तरीके से शुरुआत करते हैं। स्क्रीन पे देखते रहिए भैया, आठ कंट्रीज से रिलेटेड कोरोना से अपडेट हम बात करेंगे, उसी के आधार पे तय करेगा आपका जॉब, आपका जर्नी, आपका वीजा वगैरह जो प्रोसेस है इसी पे डिपेंड करेगा। तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखते रहिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, फेसबुक पेज वाले भाई पेज को फॉलो कर लीजिए ताकि विदेश से रिलेटेड से इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। स्क्रीन पे देख सकते हैं भाई, ओमान का अगर पहले बात करें तो सबसे पहले ओमान की बात करें, 80,713 अभी तक कोरोना केस पॉजिटिव पाए गए हैं। उसमें डेथ की बात करें तो 492 यानी 492 डेथ अभी तक हुई हैं। जी हाँ, डेथ रेशियो बहुत कम है भाई, ज़्यादा नहीं है। उनमें रिकवर की बात करें तो 70,910 बंदे अभी तक कोरोना पॉजिटिव थे वो रिकवर हो चुके हैं, यानी एवरेज रिकवर का ठीक है, अच्छा है। 10,000 केस पॉजिटिव अभी तक पेंडिंग है। आगे कतर की बात कर लेते हैं भाई, कतर में अगर देखा जाए तो 112,092 केस अभी तक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। डेथ की बात करें तो भाई 178 जी हाँ 178 केस अभी तक डेथ हुई हैं लोगों की। डेथ रेशियो भी ठीक है, ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल बहुत कम है। रिकवरी की बात करें तो इसमें बता दूं मैं आपको, 108,883 लोगों की रिकवरी हो चुकी है। जी हाँ, यानी रिकवरी बहुत अच्छी है भाई, रिकवरी का देखा जाए तो ज़्यादा नहीं है, पेंडिंग 5-6 हज़ार लोगों का अभी पेंडिंग चल रहा है, बाकी ठीक है। बहरीन की बात करें तो भाई बहरीन में 42,889 जी हाँ 42,889 केस अभी तक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उसमें डेथ की बात करें तो सबसे कम बहरीन का आता है, 156 डेथ अभी तक हुई है, सबसे कम डेथ भैया गल्फ कंट्रीज़ में बहरीन में है। और रिकवरी की बात करें तो लगभग 40,000 रिकवर हो चुके हैं, यानी 3,000 का आंकड़ा है जो कोरोना पॉजिटिव है, बाकी रिकवर कर लिया गया है सबको, बहुत अच्छी बात है बहरीन से रिलेटेड। इसीलिए भाई बहरीन ने वर्क परमिट वीज़ा स्टार्ट कर दिया है। बात करें भाई कुवैत से रिलेटेड, तो कुवैत का देखें तो भाई 70,045 केस अभी तक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, और 70,000 में से अगर रिकवर की बात करें तो 61,610 यानी एवरेज अगर देखा जाए तो 9,000 के समथिंग कोरोना केस अभी तक पॉजिटिव हैं, बाकी अच्छी तरीके से रिकवर कर लिया गया। डेथ की बात करें तो 469 यानी 469,070 के करीब अभी तक डेथ हुई है, तो डेथ रेशियो भी बहुत कम है कुवैत का। यही दुबई के बारे में बात कर लेते हैं भाई, दुबई में 61,845 केस अभी तक पॉजिटिव पाए गए हैं, उनमें से 55,739 केस अभी तक रिकवर कर लिए गए हैं। जी हाँ, तो भाई रिकवरी रेट बहुत अच्छी है, उसमें से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, 6,650 का डिफरेंस आ रहा है कोरोना पॉजिटिव है। उम्मीद है इस महीने में अगस्त में दुबई एकदम फ्री हो जाएगा कोरोना अपडेट। और डेथ की बात करें तो 354 यानी 354 अभी तक डेथ हुई हैं दुबई में, वे में तो डेथ रेशियो भी ठीक है, बहुत कम है, ज़्यादा नहीं है। ये बात कर लेते हैं सऊदी अरबिया से रिलेटेड, सऊदीया में भैया ठीक है, अभी तक 284,226 कोरोना केस अभी तक पाए गए हैं, और उनमें से बात करें तो 247,089 केस अभी तक रिकवर कर लिए गए हैं, तो ये मान सकते हैं कि ज़्यादा नहीं है। इसमें 40,000 के करीब अभी तक आंकड़ा आ रहा है निकल के जो कोरोना एक्टिव केस हैं, बाकी रिकवर हो गए हैं, और 3,055 डेथ अभी तक हो चुकी हैं कोरोना, सऊदी अरबिया में सबसे ज़्यादा है भाई गल्फ कंट्रीज़ में अगर देखा जाए तो। और आगे बात कर लेते हैं भाई इराक में, इराक को हमने आज नया ऐड किया है, इराक में भी भैया आंकड़ा ठीक है, 140,603 कोरोना केस पॉजिटिव पाए गए हैं, उनमें से 110,025 लोगों को रिकवर कर लिया गया। जी हाँ, 30,000 के करीब अभी तक कोरोना केस पॉजिटिव हैं, तो ज़्यादा तो नहीं बोल सकते लेकिन फिलहाल भी ठीक ठाक है। इसमें डेथ रेशियो बहुत ज़्यादा भैया, 5,161 डेथ, जी हाँ यानी 140,000 में से 5,161 लोग अभी तक मर चुके हैं इराक में। अब इंडिया लास्ट में बात कर लेते हैं भाई इंडिया से रिलेटेड, तो इंडिया की अगर देखा जाए तो भैया 2,000,000 जी हाँ से प्लस अभी तक कोरोना केस पॉजिटिव पाए गए हैं, 20,27,074 कोरोना केस अभी तक 7 अगस्त तक का आंकड़ा निकल के आ रहा है। उनमें से अगर डेथ रेशियो देखा जाए तो बता दूं भैया डेथ रेशियो बहुत ज़्यादा आ रहा है, 46,638 लोग मर चुके हैं, जी हाँ लगभग आप मान सकते हैं 50,000 के आसपास लोग अभी तक इसमें मर चुके हैं,
रिकवरी देखा जाए तो भाई 13,78,105 लोगों की रिकवरी हो चुकी है, यानी 14 लाख के करीब देखा जाए तो 6 लाख अभी तक एक्टिव केस, 6.5 लाख के करीब अभी तक एक्टिव केस पेंडिंग है। तो आपने देखा भाई कुवैत, ये जो 8 कंट्रीज़ के बारे में बताया, सबसे ज़्यादा क्रिटिकल एरिया इंडिया है, और इंडिया में अगर कोरोना इसी तरीके से बढ़ रहा, आज की डेट देखिए 6 अगस्त को पता कितने 60,000+ कोरोना केस एक दिन में निकले हैं, वर्ल्ड में रिकॉर्ड तोड़ा 60,000, तो अमेरिका में भी एक दिन में नहीं निकले भाई 60,000, इंडिया में इसी तरह से अगर आंकड़ा बढ़ता रहा तो भैया बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। ख़ास तौर से इंडिया वालों को तो होगी होगी, आप विदेश जा रहे हो आपके लिए प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि अदर कंट्रीज़ आपको वैलिड नहीं करेगी, इजाज़त नहीं देगी कि इंडियन आदमी हमारे देश में आए कोरोना लेके, क्योंकि मेंटेलिटी फिक्स हो जाती है कि इस तरह से कोरोना बढ़ रहा है तो क्या प्लेन में आने वाले लोग सुरक्षित हैं। बहुत सारी बैन जो लोगों ने ओपन करी है वो भी हो सकता है आने वाले टाइम में बैन कर सकते हैं। तो बस ये बिग अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो कर लें ताकि विदेश से रिलेटेड से इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।